हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिपी स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ASP.NET के अंदर हमने रेडियो बटन लिस्ट कंट्रोल है वो कैसे यूज़ करना है। तो बेसिकली जो रेडियो बटन लिस्ट कंट्रोल है उसको मैंने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवाया है। तो जो भी डेटा हमारे डेटाबेस के अंदर होगा वो सारा डेटा रन टाइम पे हमारी रेडियो बटन लिस्ट के अंदर आ जाएगा। तो ये देखिए मेरे पास एक रनिंग एग्जांपल है, पहले मैं इसको आपको बता देता हूँ, उसके बाद में बताऊँगा कि कैसे आपने ये वाली एग्जांपल जो है खुद क्रिएट करनी है। तो ये देखिए मेरे पास लिखा हुआ है हेडिंग एग्जांपल का, रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस इनटू रेडियो बटन लिस्ट कंट्रोल इन ASP.NET। तो यहाँ पर हमने लिखा है सिलेक्ट वन ऑफ योर फेवरेट फ्रूट। तो ये जो फ्रूट के नेम आप देख रहे हैं ये सारे मैंने डेटाबेस के अंदर एंटर किए थे टेबल के अंदर। तो जब मैंने कनेक्टिविटी करवाई तो रन टाइम पे वो सारा जो टेबल है वो मेरे रेडियो बटन लिस्ट के अंदर बाइंड अप हो चुका है। तो चलिए इसको अब मैं कोई एक फ्रूट सिलेक्ट करता हूँ और जैसे ही सबमिट के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास जो है पर्टिकुलर सिलेक्टेड जो फ्रूट है उसका नेम आ चुका है। तो एक और ऑप्शन कोई सिलेक्ट करके देख लेता हूँ। तो ये तो आपको पता ही है कि रेडियो बटन के अंदर जो है ग्रुप होता है, तो ग्रुप के अंदर किसी एक रेडियो बटन को ही सिलेक्ट कर सकते हैं आप। तो इस तरह से आपने जो है आज की एग्जांपल जो है क्रिएट करनी है। तो चलिए वो क्रिएट कैसे करना है प्रोजेक्ट वो देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पर ऐड करते हैं। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ से ASP.NET वेब एप्लीकेशन वो आपको मिलेगी वेब में। तो हमने जो लैंग्वेज यूज़ करनी है वो करनी है विजुअल C#। और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट की लोकेशन दे देंगे, आप अपने अकॉर्डिंगली लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेडियो बटन लिस्ट डेटाबेस, यहाँ पे भी लिख देते हैं रेडियो बटन लिस्ट और इसको ओके कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। तो चलिए इसके अंदर एक अपने जो सॉल्यूशन है उसमें जाकर अपने सॉल्यूशन के ऊपर राइट क्लिक करके ऐड और नया एक वेब फॉर्म ऐड करेंगे ताकि हम आज की एग्जांपल जो है क्रिएट कर सकें। तो चलिए यहाँ से मैं वेब फॉर्म सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आप वेब फॉर्म का नेम दे सकते हैं, बगैर मैं जो है डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ और उसके बाद मैं इसको ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए सबसे पहले डिज़ाइन व्यू के अंदर चलते हैं और अपनी आज की एग्जांपल का जो डिज़ाइन है वो तैयार करते हैं कि कैसे हमने आज का डिज़ाइन जो है प्रिपेयर करना है। तो ये मेरा बॉडी वाला जो एक एरिया है वेब फॉर्म के ऊपर, तो उसमें मैंने सबसे पहले टूल बॉक्स में से एक कंट्रोल को ऐड करना है जिसका नेम है लेबल कंट्रोल। तो लेबल कंट्रोल के ऊपर मैं जैसे ही डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरा कंट्रोल जो है मेरे वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा जहाँ पर भी मेरा कर्सर होगा। तो ये देखिए लेबल कंट्रोल आ चुका है। तो चलिए इसकी एक प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो उसको चेंज करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिपी स्टडी हब। तो ये मेरे चैनल का नाम है, यस प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे कोई और टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं, तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ जो है प्रोग्रामिंग के रिलेटेड वो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ। रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस इनटू रेडियो बटन लिस्ट कंट्रोल इन ASP.NET। तो ये मैंने जस्ट अपने प्रोजेक्ट की हेडिंग लिखी है। तो उसके बाद में हम आज का जो कंट्रोल है हमारा मेन कंट्रोल है वो यूज़ करेंगे। तो आज का कंट्रोल है हमारा रेडियो बटन लिस्ट, तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरा रेडियो बटन लिस्ट जो है आ चुका है कंट्रोल। तो अभी इसको कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, तो सबसे पहले जो है डेटाबेस के साथ हम कनेक्टिविटी करवाएंगे, मगर उससे पहले हम एक बटन ले लेते हैं सिंपल बटन कंट्रोल। तो उसके ऊपर लिखें
उसका टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वहाँ पे लिख देते हैं सबमिट आफ्टर वन सिलेक्शन। तो यहाँ पे लिख देता है सबमिट आफ्टर वन सिलेक्शन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिलेक्ट वन ऑफ योर फेवरेट फ्रूट। इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक लेबल यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लेबल कंट्रोल को यूज़ करूँगा, डबल क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास लेबल कंट्रोल आ चुका है। तो इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर देते हैं, ब्लैंक कर देते हैं, और इसका जो साइज़ है थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, और इसका जो फोरग्राउंड कलर है वो भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो चलिए ये मेरा डिज़ाइनिंग व्यू प्रॉपरली तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हमने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवाने के लिए जो कंट्रोल यूज़ करना है उसका नेम है एसक्यूएल डेटा सोर्स। तो इसको मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। तो कनेक्टिविटी करवाने से पहले आपको दिखा देता हूँ कि कैसा डेटाबेस जो है मैं एसक्यूएल सर्वर में यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके लिए स्टार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, और एसक्यूएल सर्वर के साथ जो है वर्क करने के लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया है जिसका नेम है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का। ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस के थ्रू आप सारे डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल में डेटा एंटर कर सकते हैं। तो अगर आप एसक्यूएल सर्वर के साथ काम करना चाहते हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट है, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो चलिए सर्वर के नेम तो मेरा आ चुका है विकास पीसी एसक्यूएल एक्सप्रेस, और इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, मेरी जो कनेक्टिविटी है वो एसक्यूएल सर्वर के साथ हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ कैसा डेटाबेस आज की एग्जांपल के अंदर हमने यूज़ करना है। तो डेटाबेस का नेम है फ्रूट डेटाबेस। तो वो देख लेते हैं कहाँ पे, ये है फ्रूट डेटाबेस। और उसके बाद में इसके अंदर जो टेबल मैंने यूज़ किया है उसका नेम है फ्रूट डिटेल, जस्ट बेसिक टेबल है। इसका डिज़ाइन आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने इस टेबल के अंदर एक ही कॉलम यूज़ किया है जिसका नेम है फ्रूट नेम, और उसका डेटा टाइप जो है वॉर कैर मैंने यूज़ किया है। तो इसके अंदर जो डेटा ऑलरेडी मैंने एंटर कर रखा है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, मेरा जो डेटा है जो ऑलरेडी मैंने एंटर कर रखा है टेबल के अंदर, तो ऐसा ही डेटा आप भी एंटर करके रख सकते हैं अपने टेबल के अंदर। तो चलिए इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो अपने सबसे पहले अपने एसक्यूएल डेटा सोर्स है उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। यहाँ से न्यू कनेक्शन करेंगे, और यहाँ पे अपने सर्वर का नेम लिखेंगे विकास पीसी एसक्यूएल एक्सप्रेस, और यहाँ से हम डेटाबेस का नेम सेलेक्ट करेंगे। तो डेटाबेस का नेम था फ्रूट डेटाबेस। एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं कनेक्शन बिल्कुल ठीक है, इसको ओके कर देते हैं, फिर से नेक्स्ट, और फिर से एक बार नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ देखिए हमारा जो टेबल का नेम है वो आ चुका है। तो अब इसको भी नेक्स्ट कर देते हैं। एक बार टेक्स्ट क्वेरी करके देख लेते हैं कि डेटा सारा रिट्रीव हो रहा है प्रॉपरली। ये देखिए डेटा आपके सामने है, सारा प्रॉपरली रिट्रीव हो गया है। तो इसको फिनिश कर देते हैं। तो ये देखिए जो मेरा डेटा सोर्स है वो कन्फिगर हो चुका है। तो चलिए अब रेडियो बटन लिस्ट को कन्फिगर कर लेते हैं। तो इसका मैं चूज़ करूँगा डेटा सोर्स, और यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है एसक्यूएल डेटा सोर्स वन जो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा था। तो ये है एसक्यूएल डेटा सोर्स वन, इसको ओके कर देते हैं। तो चलिए एक बार रन करके देख लेते हैं अपने इस एग्जांपल को। तो स्टूडेंट फ्रेंड्स, जो देखिए मेरा जो आज की एग्जांपल है वो मैंने रन की है। तो ये देखिए जो सारा ही डेटा था वो रेडियो बटन लिस्ट में रिट्रीव हो चुका है डेटाबेस में से। तो जैसे ही हम किसी एक ऑप्शन के ऊपर रेडियो बटन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो
कोई भी हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने जो है सबमिट बटन के ऊपर अभी तक कोडिंग ही नहीं की। तो चलिए अब हम कोडिंग करते हैं कि कोडिंग कैसे करनी है, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं सबमिट बटन के ऊपर डबल क्लिक करूँगा ताकि मैं कोड एडिटर के अंदर चला जाऊँ, और यहाँ पे जो है बटन क्लिक इवेंट के ऊपर कोडिंग करनी है हमने। तो कोडिंग कैसे करनी है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग माई फ्रूट। तो जो भी फ्रूट हम सेलेक्ट करेंगे वो इसमें डाल देंगे। उसके बाद में एक लूप शुरू करेंगे, फॉर लूप ले लेते हैं, एंड आई, आई को ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और आई को तब तक चलाएंगे जब तक कि वो जो भी रेडियो लिस्ट वन डॉट आइटम्स डॉट काउंट से कम हो। तो ये टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं जो भी हमारी रेडियो लिस्ट वन में होंगी। आई को प्लस प्लस करेंगे और इसको लूप को यहाँ पे राउंड ब्रैकेट, और फिर चेक करवाते जाएंगे कि क्या रेडियो बटन लिस्ट का वो पर्टिकुलर आइटम जो है सिलेक्टेड है कि नहीं है। अगर तो इसकी जो ऑप्शन है वो सिलेक्टेड है तो माई फ्रूट के अंदर वो पर्टिकुलर जो है आइटम है वो ऐड कर देंगे। और यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर लेंगे कि और हमने, क्योंकि एक ही ऑप्शन सेलेक्ट होनी है इसलिए हमें फॉर लूप आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी जो है पर्टिकुलर ऑप्शन जो सिलेक्टेड है वो आ जाती है तो इसको हम क्लोज़ कर देंगे। और बाद में जो लेबल है टू है उसका टेक्स्ट है सेट कर देंगे, योर फेवरेट फ्रूट इज, और यहाँ पे लिख देंगे माई फ्रूट। तो ये देखिए ये मेरा जो कोडिंग है वो हो चुकी है। तो बड़ी सिंपल कोडिंग है, और यहाँ पे हम इसको इक्वल कर देते हैं डबल कोट खाली के। तो लूप चलानी है जीरो से लेके सारी आइटम्स काउंट करनी है वन बाय वन, तब तक लूप चलाई जानी है, चलती रहेगी। और उसके बाद में जो है जो भी आइटम सिलेक्टेड होगी उसके अकॉर्डिंगली जो है माई फ्रूट को सेट कर देंगे, और बाद में लेबल टू को माई फ्रूट के साथ अटैच कर देंगे। तो ये कोडिंग जो है आप यहाँ वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो स्टूडेंट जो मेरा प्रोजेक्ट है रन हो चुका है ये वाली एग्जांपल। चलिए कोई एक फ्रूट सेलेक्ट करके देख लेते हैं, और जैसे ही मैं सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा ये देखिए मेरा जो पर्टिकुलर सेलेक्टेड फ्रूट का नेम है वो आ चुका है। तो चेरी के ऊपर एक बार क्लिक करके देख लेते हैं, ये देखिए चेरी आ चुका है। तो इस तरह आप बड़े ही इजी वे के साथ जो है रेडियो बटन लिस्ट को जो है डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवा के सारा डेटा रिट्रीव करके उसको रेडियो बटन के अंदर जो है शो करवा सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी एग्जांपल। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।